आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य जी महाराज उर्फ पुक्की बाबा ने बॉलीवुड फिल्मों में रोमांस दिखाने के तरीके पर बहस को एक बार फिर से आग दे दी है, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान, जूही चावला और सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म डर का जिक्र किया है। बॉलीवुड में छेड़छाड़ और हरेसमेंट के रोमांटिसाइजेशन को दिखाना एक गंभीर मुद्दा है, जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है। फिल्में जो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस पर काफ़ी गहरा असर डालती हैं, कभी कभी ऐसे बिहेवियर को बढ़ावा देती हैं जो रियलिटी में निगेटिव होते हैं। खासकर रोमांटिक फिल्मों में एक्टर्स द्वारा एक्ट्रेसेस का पीछा करना, ज़बरदस्ती उनकी अटेंशन छीनना या ना को हाँ में बदलने की लगातार कोशिश करना, बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही नॉर्मल सीन्स बन चुके हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों में मेल कैरेक्टर्स का पीछा करना या लगातार महिलाओं को परेशान करना प्रेम की निशानी के रूप में दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। एग्जाम्पल के लिए, कई फिल्मों में हीरो जबरन हीरोइन को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे बार बार परेशान करता है और अंत में हीरोइन उसकी हरकतों से प्रभावित होकर उसके प्रेम में पड़ जाती है। ये रोमांटिसाइजेशन केवल फिल्मों तक ही लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि व्यूअर्स के दिमाग में बैठ जाता है कि इस तरह का बिहेवियर प्रेम की निशानी हो सकता है। अब इसी मुद्दे पर पुक्की बाबा अनिरुद्धाचार्य जी ने अपनी राय रखी है। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बॉलीवुड में एक लड़के द्वारा एक लड़की के पास जाने के तरीके पर तंज किया। उन्होंने डर मूवी के गाने की लाइन तू हाँ कर या ना कर उठाकर कहा कि ऐसी फिल्में असल जिंदगी में पुरुषों को जिम्मेदार बनाती हैं कि वे महिलाओं की स्वीकृति पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर लड़की उनकी कोशिशों को ठुकराती है तो इसका मतलब नहीं नहीं है। ऐसे कोई आपको पकड़ेगा तू हाँ कर या ना कर कहेगा, ऐसे कोई आपको पकड़कर बोल देगा कि तू हाँ कर या ना कर, तू तो बस मेरी है। तो आखिर ये मोटिवेशन कहाँ से मिल रही है? ये मोटिवेशन हमें बॉलीवुड दे रहा है कि भाई लड़की की हाँ ना की तुम्हें परवाह नहीं करनी, बस पकड़ना है और कह देना है कि तू तो बस मेरी है। वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी ऐसा ही कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कई बार फिल्मों को स्टॉकिंग, हेरेसमेंट, सहमति की कमी और बलात्कारी प्रेम को रोमांटिसाइज करने के लिए क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा है, जिनमें रांझना, कबीर सिंह जैसी फिल्मों का नाम शामिल है। हालांकि तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन स्टारर पिंक जैसी फिल्मों ने जो बेझिझक इस ओपिनियन की आलोचना की है, ये जोर देकर कि नहीं का मतलब नहीं होता है। ऐसी फिल्में न सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि समाज में भी काफी बड़े बदलाव लाती हैं। प्रॉब्लम्स तब और ज्यादा सीरियस हो जाती हैं जब यूथ व्यूअर्स इसे वास्तविक जीवन में लागू करने लगते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स को आइडल मान लेते हैं जो जबरदस्ती एक्ट्रेस को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। इसके कारण सोसाइटी में महिलाओं के प्रति सेंसिटिविटी और उनके सम्मान का हनन होता है। बॉलीवुड को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वह फिल्मों में ऐसे सीन्स को दिखाने से बचें जो सोसाइटी में गलत मैसेज फैलाते हैं। सिनेमा का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट है और ऐसे विषयों को सही तरीके से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सकें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।